हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिक सॉफ्टवेयर एकेडमी। आज हम आपको सिखाएंगे कि टिक सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट सीरीज किस तरह से बनाई जाती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे, डाटा मेंटेनेंस। उसके बाद हम सेटअप सीरीज डॉक्यूमेंट फॉर्म खोलेंगे। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन है जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दी गई हैं। फिजिकल एडजस्टमेंट, परचेज ऑर्डर, परचेज रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, आरजेपी इनकमिंग, आरजेपी आउटगोइंग, सेल्स ऑर्डर, स्टॉक ट्रांसफर, कंजप्शन वाउचर, डिस्पैच नोट, डिस्पैच रिटर्न, फिनिश मटेरियल रिसीव, इशू स्लिप, जॉब ऑर्डर, जॉब वर्क डिस्पैच, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो इन्हीं के अंडर क्रिएट किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे डिस्पैच नोट में एक डॉक्यूमेंट ऐड करना है एबीसी नाम का, प्रीफिक्स उसकी रहेगी एबी, सफिक्स सी, स्टार्टिंग नंबर 0001, इंक्रीमेंट 1, एक के बाद एक बढ़ता जाए, न्यूमेरिक लेंथ 5, रीनंबरिंग ईयरली, और मैं ऐड पर क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे कि यहाँ एक डिस्पैच नोट में एक डॉक्यूमेंट सीरीज ऐड हो गई है। इसको हम सेव करेंगे। ये यूजफुल कहाँ पर आएगी? क्लोज, टिक मैनेजमेंट। वापस हम अपने जहाँ से डिस्पैच नोट बनाया जाएगा वहाँ जाएंगे, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस, डिस्पैच नोट, न्यू। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप क्या रहेगा, डिस्पैच रहेगा, ऑल मटेरियल, ये एबीसी जो मैंने अभी क्रिएट किया था। इस तरह से हम अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग डॉक्यूमेंट सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था डॉक्यूमेंट सीरीज में किसी भी डॉक्यूमेंट को भी किसी भी सीरीज में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना टिक सॉफ्टवेयर में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.tickforgrowth.com पर विजिट कीजिए। डेमो के लिए हमें मिस कॉल दीजिए 7533016990 पर, या फिर हमें मेल ड्रॉप कीजिए sales@tickforgrowth.com पर। थैंक यू।